रुकिए ना भाई, नाटक कर दे भाई। अभी सिंह डीएसपी हत्या का साजिश रचा है मेरे, उतार के अकेले में वो कथा उतरो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। देश भर में कल दूसरे चरण का यानी सेकेंड फेज का चुनाव होने को है, मतदान होगा। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में के 5 लोकसभा सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। अब इन 5 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा अगर कोई हॉट सीट बना है तो वो है बिहार का पूर्णिया लोकसभा सीट, क्योंकि यहाँ सबकी नज़र टिकी हुई है। नज़र इसलिए टिकी हुई है क्योंकि यहाँ पर पप्पू यादव निर्दलीय से चुनौती देने को तैयार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से बीमा भारती और एनडीए की तरफ से संतोष कुशवाहा जो कि वहाँ मौजूदा सांसद हैं वो चुनावी रण में, चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। हमने आपको तस्वीरें दिखाई, हमने आपको खबर आप तक पहुंचाई कि पप्पू यादव अपने काफिले के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने समर्थकों के साथ कटिहार के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र की तरफ जा रहे थे और बीच रास्ते में उन्हें पुलिस प्रशासन ने रोक लिया, उनकी चेकिंग होने लगी और उस वक्त पप्पू यादव जो है वो सड़क पर बैठ जाते हैं, सड़क किनारे बैठ कर छाती पीट पीट कर चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं। सदर डीएसपी अभिजीत सिंह मुर्दाबाद के नारे भी लगाने लगते हैं, अभिजीत सिंह हाय हाय के नारे लगाने लगते हैं। लेकिन आखिरकार पप्पू यादव को रोका क्यों गया? पप्पू यादव जो है वो अपने काफिले के साथ गुजर रहे थे तो उनके समर्थकों को क्यों रोका गया और उनके गाड़ियों में, उनके काफिले में जो गाड़ियां शामिल थी उनकी चेकिंग क्यों की गई? तो आपको बताया कि एक तरफ जहां जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि पप्पू यादव जो है वो आचार्य संहिता का उल्लंघन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव का कहना है कि मैं तो चुनावी प्रचार प्रसार के लिए जा ही नहीं रहा था, मैं तो अपने समर्थकों से मिलने जा रहा था, तो भला आचार्य संहिता का उल्लंघन कैसे हो गया? और जिस वक्त पप्पू यादव की गाड़ियों की, उनके काफिले में शामिल गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी, उनके अटैची का भी चेकिंग हुआ, उस अटैची में आखिर क्या मिला? जब सदर डीएसपी और तमाम जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग शामिल हैं जो जब चेकिंग कर रहे थे तो उनका जब अटैची खोला गया तो आखिर वो क्या मिला? तो पप्पू यादव का कहना था कि उसमें कपड़े हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन जो है वो पप्पू यादव के गाड़ियों में से अटैची निकाली और उस अटैची में जो है कपड़े भरे हुए हैं जो कि पप्पू यादव ले करके अपने काफिले के साथ गुजर रहे थे। तस्वीरें आपको सीधे कटिहार के कोढ़ा से दिखा रहे हैं जहां देखिए अभी भी पप्पू यादव का लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है और सदर जो डीएसपी हैं, जो पुलिस प्रशासन है, जो जिला प्रशासन है, उसके खिलाफ नारे पप्पू यादव की तरफ से लग रहे हैं। रुकिए ना भाई, नाटक कर दे भाई। देखिए ना मैम, खुद से देखिए ना, सब खुला हुआ है, पूरा देख सकते हैं। जिंदाबाद चश्मा चश्मा है, चश्मा दीपक।